तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि इसको कैसे रिकॉर्ड करें ट्रैक के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसमें म्यूट कर देते हैं, क्योंकि म्यूट अगर नहीं करेंगे तो हमारी साउंड ही हमको डबल डबल रिपीट होगी। तो ये जो म्यूट का बटन है, हमने इसको म्यूट को टिक कर दिया और हम अपनी आवाज़ को रियल टाइम में सुन रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही हमने प्ले का बटन दबाया तो रिकॉर्डिंग हमारी ये स्टार्ट हो चुकी है। तो हम आपको इसमें पूरी मतलब पूरा सॉन्ग नहीं सुना सकते, कॉपीराइट का इशू है, तो हम थोड़ा सा पार्ट सुना देंगे। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपको। मैं जो पूरा गाना है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि ये पूरा का पूरा गाना कैसे मैंने रिकॉर्ड किया है और वो कैसे सुनने में मिला। अभी कुछ दिनों से सुना है दिल का प्रॉब ही कुछ नया है, कोई राज कम वक्त है छुपाए, खुदा ही जाने की क्या है दिल पे शक मेरा, इस प्यार हो गया। अभी कुछ दिनों से मैं सोचता हूँ दिल के दो। हाँ जी, मुझे माफ करना कि मुझे साउंड को यहीं से रोकना पड़ा, क्योंकि कॉपीराइट का इशू है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि जो मैंने इस मतलब मैक्सिमम 10-15-20 सेकंड का होगा, इतने का मैंने जो लिया है, इसमें भी शायद कॉपीराइट का मतलब लग सकता है। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं ये बना रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इसमें किस क्वालिटी में किस तरह से प्रोफेशनली रिकॉर्ड हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपके लिए बनाई ये रिकॉर्डिंग। अभी भी चल रही है लेकिन इसको मैंने म्यूट करा हुआ है और मैं इसके ओवरलैप में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरा पूरा गाना रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसकी जो मतलब जो गाना जो आउटपुट है, फाइनल जो आउटपुट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसमें जाके सुन लेना गाना कि इसमें गाना किस तरह से रिकॉर्ड हुआ है। तो इसके आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि गाने को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि गाने को आपने सेव किया, सेव हो गया MP3 में, ऐसा नहीं। इसमें गाने को प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मोनो भी है, स्टीरियो भी है, मोनो लेफ्ट एंड राइट है, हमको दोनों का मिक्स चाहिए। और अगर हम इसमें तीन ऑप्शन होते हैं, जिसमें सिंगल में होता है कि अगर मोनो होगा, सेकंड में होगा कि मतलब लेफ्ट और राइट में दोनों अलग अलग में आएगा। एक होता है जिसमें दोनों अलग अलग वॉइस अलग अलग साउंड फाइल में आ जाएंगे, जो हमारे को कोई भी काम के नहीं है लेफ्ट एंड राइट में। और जो तीसरा है जो इंटरलेफ्ट, उसमें हमको एक्सपोर्ट करना है, जिससे कि ये होगा कि हमको दोनों की मिक्सिंग वाली साउंड है वो मिलेगी और वही हमको चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।